Hello students, welcome to our channel Physics Genics, and in this video we will learn about motion of a car on banked road. तो हम लोग यहाँ पर study करेंगे motion of a car banked road पे. Banked road का मतलब जब भी आप लोगों का road जो आपके horizontal surface से है surface है उससे कुछ angle पर हो, कुछ angle पर inclined हो, तो इस तरह के road को हम लोग क्या कह रहे हैं? Banked road. Okay, तो हम लोग इस तरह के मोशन को स्टडी करेंगे. सो लेट कर लिया हम लोगों ने स्टूडेंट्स, फ्री बॉडी डायग्राम देखिए कि अगर मान लिया मैंने कि मेरे कार है विच इज़ हैविंग अ सर्कुलर मोशन ऑन अ बैंक्ड रोड. जो यहाँ पे बैंक्ड रोड है इट इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स तीन फोर्सेज लग रही हैं. वही वापस से आप लोगों का वेट, वेट ऑफ ए कार एम जी, एंड सेकेंड वन इज नॉर्मल रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज द सेंट्रिपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन. ओके, तो यहाँ पर थ्री फोर्सेस लग रही हैं, राइट. तो जो आप लोगों का यहाँ हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं, हम लोगों को क्या निकालना है स्टूडेंट्स? हम लोग एक तरीके से अपनी वेलोसिटी पता करनी है इस मोशन के लिए, कि हम लोग वो वेलोसिटी क्या रखें ताकि हम लोगों का जो मोशन है कार का वो इस तरह का हो कि वो सर्कुलर मूव करती रहे, वो जो हमारा सर्कुलर मोशन है वो कहीं ख़राब ना हो जाए और कार जो है मूव आउट ना हो जाए सर्कुलर मोशन करते करते. ओके, सो इस केस में हम लोगों को वेलोसिटी पता करने के लिए स्टूडेंट्स जो हम लोगों का डायग्राम है, जो हमारी फोर्सेज हैं उसे स्प्लिट करना पड़ेगा. मान लीजिए जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन हम लोग यहाँ मान रहे हैं, दिस इज़ वर्टिकल डायरेक्शन, उसे मैंने वाई से डिनोट किया है. हम लोगों को इन्हीं दोनों एक्सेस में अपनी फोर्सेस को स्प्लिट करना है. ओके, तो मान लीजिए जो तीन फोर्सेज एक्ट हो रही थी, तो सबसे पहले हम लोगों की जो फोर्स थी एम जी डाउनवर्ड जा रही है, राइट. जो आप लोगों की एम जी फोर्स है वो कहाँ जा रही है स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड जा रही है. नॉर्मल फोर्स ऑब्वियसली जो प्लेन होता है आप लोगों का, जिस जो सरफेस होता है उससे नॉर्मल जाती है, तो ये सरफेस से नॉर्मल जा रही है आप लोगों का, नॉर्मल रिएक्शन. और जो आप लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होगा? जो रोड है और जो टायर है उससे कॉन्टैक्ट में होगा एंड टूवर्ड्स दी सेंटर होगी फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, तो ये तीन फोर्सेज हैं, इन्हीं तीनों को स्प्लिट करना है हम लोगों को एक्स और वाई में, ठीक है. तो यहाँ देखिए, अगर इफ़ जो आप लोगों का बैंक रोड है वो एंगल थीटा बना रहा है, सो स्टूडेंट्स इस पॉइंट की बात करिए, मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रही हूँ, इस पॉइंट को मैं दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को. यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको देखिए, यहाँ पर जो मैंने फ्रिक्शनल फोर्स को स्प्लिट करा है, मान लीजिए स्टूडेंट्स ये आप लोगों का एक लाइन है, ठीक है, और वो अगर थीटा एंगल बना रही है, तो मैंने एक और लाइन यहाँ से पैरेलल भेजी, अपनी ए लाइन के पैरेलल मैंने बी लाइन भेजी, तो जो एल लाइन जहाँ जिस एंगल पे आप ए को कट कर रही है उसी एंगल पे बी को भी कट करेगी, राइट. ये अल्टरनेट एंगल होगा, राइट. तो ये थीटा, तो सिमिलरली जो आप लोगों का ये लाइन जा रहा है मान लीजिए इस पॉइंट पर, तो ये जो एंगल बनाएगा ये थीटा होगा. तो बाय ज्योमेट्रिकल मेथड वी कैन से दैट, ज्योमेट्रिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल है दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल. तो यहाँ से अगर मैं अपनी फ्रिक्शनल फोर्स को स्प्लिट करूँगी, तो जो थीटा के साथ जाएगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा. और जो थीटा से अपोजिट में जाएगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन वाला. तो यहाँ से मैंने अपनी फ्रिक्शनल फोर्स को स्प्लिट कर लिया कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में, एक्स वाई में, राइट. अब देखिए मैं अपना एन कैसे स्प्लिट कर रही हूँ. सिमिलरली ज्योमेट्रिकली हम लोग ये देखते हैं, जो ये वर्टिकल वाला डायरेक्शन जाएगी वो थीटा एंगल बनाएगा. ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग इसे देखेंगे तो ये थीटा एंगल बनाएगा. तो जब हमारा एन स्प्लिट होगा तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा दिस विल गिव अस एन कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा वो हमें क्या देगा स्टूडेंट्स? एन साइन थीटा. तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्स और वाई एक्सिस में अपने सारे कंपोनेंट्स को स्प्लिट कर लिया. अब हम लोगों को क्या करना है, जो भी एक्स और वाई एक्सिस में हमारे कंपोनेंट्स हैं फोर्सेस के उन्हें एक साथ रखना है,
तो लेट्स से सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ अपना वर्टिकली, यानी कि वाई एक्सिस वाले वर्टिकली। तो वर्टिकल जो फोर्स लग रही है, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एन कॉस थीटा इक्वल किसके आ रहा है, दिस वन, दिस फोर्स एन कॉस थीटा जो आप लोगों की वर्टिकल डायरेक्शन में है वो एन कॉस थीटा फोर्स है, एम जी है और एफ साइन थीटा है, राइट, वर्टिकल डायरेक्शन में यही है। तो एन कॉस थीटा अपोजिट लग रही है एम जी और एफ साइन थीटा के, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, राइट। तो ये आप लोगों के क्या हो गए स्टूडेंट्स, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग अपना एक्स एक्सिस में देखेंगे तो यहाँ इस केस में जो आप लोगों की एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा फोर्स है वो किसके अपोजिट जाएगी स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स है ऑब्वियसली जो फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट में जो फोर्स लगती है स्टूडेंट्स वो कौन सी लगती है, इसके अपोजिट में जो फोर्स लगेगी जो इस कार का मोशन सर्कुलर मोशन को अपोज करना चाहेगी वो कौन सी होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, राइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको मैं एफ सी एफ से डिनोट करती हूँ लेट्स से। तो ये जो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा है ये मस्ट बी किसके इक्वल और ज़्यादा होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, वो कितना होना चाहिए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, राइट। ये जो आप लोगों की एक्स एक्सिस में फोर्सेस थी, यही दोनों फोर्स एक्स एक्सिस में, ये किसके अपोजिट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर मैं अपना एफ को न्यूएस एन इसी तरीके से लिखते हैं हम लोग अपना जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, राइट, तो ये जो हम लोगों को एफ की वैल्यू है ये पुट करनी है अपनी फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू में, पुट दी वैल्यू ऑफ एफ इन फर्स्ट। सो यहाँ से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एन कॉस थीटा, देखिए एफ साइन थीटा, तो एफ की वैल्यू डाल दीजिए म्यू एस एन साइन थीटा प्लस एम जी। तो यहाँ से आप लोगों को स्टूडेंट्स अपना एक और इक्वेशन मिली है, लेट्स से दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, सेकंड में भी आप लोगों को सेम वैल्यू डालनी है, तो एन साइन थीटा प्लस एफ की वैल्यू म्यू एस एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आप लोगों की फोर्थ इक्वेशन हो गई, राइट। अब आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या करना है, किसी भी एक वैल्यू में से, किसी भी एक में से आप लोगों को एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मान लीजिए मैं थर्ड में से अपने एन की वैल्यू निकालती हूँ, सो अगर मैं थर्ड में से अपने एन की वैल्यू निकालती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, एन इक्वल्स टू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा में माइनस म्यू एस साइन थीटा, राइट। सो पुट दिस वैल्यू, पुट दी वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ में हमने ऐसा क्यों किया, हम लोगों ने थर्ड में से ही क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर डायरेक्ट वेलोसिटी का फैक्टर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग अपनी एन की वैल्यू डालते हैं, सो अगर मैं एन को कॉमन लूँ स्टूडेंट्स यहाँ से, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, देन पुट द वैल्यू ऑफ एन, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एम जी अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सो दैट यहाँ से आप लोगों को वेलोसिटी क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आर बाय एम एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा
माइनस म्यू एस साइन थीटा. यहाँ से एम से एम विल कैंसिल आउट, राइट. एन से एम क्या हो जाएगा आप लोगों का, कैंसिल आउट हो जाएगा. सो द ओनली फैक्टर विच रिमेन आउटसाइड इज आर जी, ठीक है. ये आर जी बचेगा और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी आप लोगों की, हाँ, क्योंकि वी का स्क्वायर था. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर अ मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंड रोड, ओके. अगर कंसिडर करते हैं, इफ वी टेक म्यू एस स्टैटिक कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू जीरो, देन दिस विल रिड्यूस टू आर जी साइन थीटा. ये म्यू एस वाला, ये वाला फैक्टर आपका जीरो हो जाएगा, ये वाला फैक्टर आपका जीरो हो जाएगा, तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा बचेगा विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा इसकी पावर. हाँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द रिड्यूस इक्वेशन, ओके. सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.